affirm my faith in the universal principle of civilized society, namely that every dispute between citizens should be settled by peaceful means, and in view of the growing danger to the unity and integrity of the country, I hereby pledge myself never to resort to physical violence in the case of any dispute, whether in my neighborhood or in any other part of India. Jai Hind. India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Jai Hind. Among the citizens of India and to promulgate constitutional values. So let's our 8th standard students are presenting a skit on this special day. सुप्रभात मित्रों, मैं इस देश का संविधान हूँ जिसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था. क्या आप इस संविधान के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते। यह बहुत अफसोस की बात है कि इतने वर्षों के बाद भी हम हमारे मौलिक अधिकारों को नहीं जानते. तो चलिए आज हम हमारे मौलिक अधिकारों और हमारे कर्तव्यों को जानते हैं. पापा पापा, मेरी पिकनिक जा रही है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं जाऊं? नहीं, तुम नहीं जा सकती. पापा, मेरी भी पिकनिक जा रही है. कब जाने वाली है? 25 तारीख. कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 5,000 रुपये. आपने क्यों नहीं जान दिया पापा मुझे? वो तो मुझसे छोटा भी है. क्योंकि तुम लड़की हो और तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं है. क्या मुझे घूमने का अधिकार नहीं है? इक्वालिटी, समानता का अधिकार, हमें संविधान ने यह
अधिकार दिया है कि सभी समान रूप से जी सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग समान रूप से जीने का हक है। मैं अंधा हूँ पर रोड पर चल सकता हूँ, यह अधिकार मुझे बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी को स्वतंत्रता से जीने का हक हम सभी को संविधान ने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी को स्वतंत्रता से जीने का हक है। मैंने कॉलेज में डॉक्टर किया है, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है। नहीं, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ाऊंगा। पर क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी अगले साल फिक्स कर दी है। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। क्या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं है? टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सभी को समान रूप से शिक्षा लेने का हक है, चाहे कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को भी समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई भी किसी का भांजा भतीजा या भाई हो या बेटा हो, सभी के लिए कानून समान ही होता है, कानून तो कानून ही होता है। तू चाय लाओ मेरे लिए। हाँ लाई माजी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तो सारे दिन आराम करते रहते हो। झूठ मत बोलिए माजी। क्या तुम्हारे माँ ने यही सिखाया है? माँ को बीच में मत लाइए माजी। तूने मेरे माँ से ऐसी बात की? तुम्हें कोई अधिकार नहीं मुझे मारने का, मैं तुम्हें जेल भी भेज सकती हूँ। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें घरेलू, क्या आपको पता नहीं कि घरेलू हिंसा यह कानूनी जुर्म है? इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। घरेलू हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। चलो उठो यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ मंदिर है, मंदिर के आगे कोई नमाज नहीं पढ़े। लेकिन हमें यह अधिकार है कि हम कहीं पर भी बैठकर अपनी पूजा या नमाज कर सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो अपनी धर्म की पूजा या नमाज कहीं पर भी और कभी भी बैठकर कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को समान अधिकार दिया है। रिलीजियन, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। फिर से एक बार हमारे मौलिक अधिकारों को जान लेते हैं। टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कमर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। गोज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। उपलक्ष्य में
सभी देश प्रेमी भारतीय नागरिकों को अरविंद निलो पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र की तरफ से सादर प्रणाम। आज एक ऐतिहासिक तिथि है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान दिवस हम सभी मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था और जिसमें अनेक बेकसूर लोग मारे गए थे। जनता की हिफाजत करते हुए अनेक पुलिस कर्मचारी और अधिकारी भी शहीद हुए थे, तो उन्हें भी हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करें और संविधान के अनुरूप रहने, चलने, बोलने, कहने की एक सफल कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। The pledge was as follows: I, as a citizen of India, affirm my faith in the universal principle of civilized society, namely that every dispute between citizens should be settled by peaceful means. And in view of the growing danger to the unity and integrity of the country, I hereby pledge myself never to resort to physical violence in the case of any disputes, whether in my neighborhood or in any other part of India. भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए चंद संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संपत्ति संवत 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अग्निकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.